हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे मथुरा के फेमस पेड़ा जैसा देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट गेहूं के आटा से बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड, एकदम डिलीशियस ये पेड़ा बनकर तैयार होगा, ना मावा, ना चाशनी, ना दूध। एकदम आसान तरीके से घर के सामानों से ये पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गेहूँ के आटे के पेड़ा बनाने के लिए हम एक कटोरी आटा लिए हैं, अच्छी तरह से छान कर ले लिए हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद लो फ्लेम में आटा को चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। इसमें हम घी अभी नहीं यूज किए हैं फ्रेंड, बिना घी के हम भूनेंगे आटा को पहले 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में। इस तरह से आटा को भूनने से क्या होता है कि कम घी में हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, इससे पेड़ा एकदम मावा के टेक्सचर में बनकर तैयार होगा। तो बेसन को भी अच्छी तरह से भूनेंगे आटा के साथ। आटा को एकदम अच्छे से भूनना है फ्रेंड। तो हम आधा कटोरी चीनी लिए हैं, एक कटोरी आटा में हम आधा कटोरी चीनी का यूज करेंगे। तो चीनी को हम पीस लिए हैं, पीस के रख लिए हैं। इधर आटा और बेसन को एकदम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है खुशबू आने तक। तो आटा का कलर चेंज होने लग गया है फ्रेंड, 7 से 8 मिनट हो गया है भूनते हुए लो फ्लेम में। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, फिर से चलाते हुए भूनेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो आटा जलने लगेंगे और पेड़े का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए लो फ्लेम में ही आटा को अच्छी तरह से भूनना है एकदम खुशबू आने तक। तो इस तरीके से दबाते हुए आटा को भूनना है। आप देख सकते हैं आटा का कलर चेंज होने लग गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, आटा अच्छी तरह से भून गया है, कलर चेंज हो गया है। पेड़ा में अच्छे टेस्ट आने के लिए हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाले हैं और पिसी हुई चीनी को डाल देंगे। पेड़े में अच्छे टेस्ट आने के लिए हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर यूज करेंगे। खाने वाले चम्मच से 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर यूज किए हैं फ्रेंड। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे, लो फ्लेम में चलाते जाएंगे। चीनी गरम गरम चीनी मेल्ट हो जाएगा तो ज़्यादा घी नहीं लगेगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे, क्योंकि हम एक साथ सारा घी नहीं डाले थे। 2 टेबल स्पून घी में हम इस पेड़े को बनाकर तैयार कर रहे हैं, एकदम डिलीशियस पेड़ा बनकर तैयार होगा। तो चलाते रहेंगे इस तरीके से, तो चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चलाते रहना है 2-3 मिनट के करीब। तो आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गया है, तो इससे घी रिलीज होने लगेगा, धीरे धीरे डो फॉर्म में आने लगेगा पेड़ा बांधने के लिए। आप देख सकते हैं कढ़ाई में ही चीनी डाल देने से क्या होता है कि कम घी में ही बनकर तैयार हो जाता है मिठाई। तो अब हम गैस के बंद कर दिए हैं, अलग बड़े बर्तन में निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम मावा के टेक्सचर में
हमारा डो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और गोल गोल लड्डू जैसा बनाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे का लड्डू। तो हम इस तरीके से लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए अंगूठा के बीच में फंसाकर इस तरीके से शेप देंगे पेड़े का। एकदम आसानी से पेड़ा बन जाता है फ्रेंड। इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का दबा देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है, एकदम बाजार जैसा दिख रहा है पेड़ा। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े को बनाएंगे। तो मथुरा का पेड़ा क्या होता है फ्रेंड, ऊपर से चीनी का पाउडर को हल्का हल्का लगा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखने में एकदम मथुरा के पेड़ा जैसा लग रहा है। कोई भी नहीं कह सकता है फ्रेंड कि ये गेहूं के आटा का पेड़ा बनकर तैयार हुआ है, इतना डिलीशियस दिख रहा है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े को बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं, अगर पेड़े का शेप देने में आपको प्रॉब्लम हो तो। आप देख सकते हैं इस तरह से अंगूठे के बीच में घुमाते जाने से अच्छे से एकदम पेड़ा का शेप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड घी रिलीज हो गया है, घी घी दिख रहा है पेड़ा में। तो इस तरह से दबाते हुए चिकना कर देना है, घुमाकर पेड़ा एकदम अच्छा से बन जाता है। वाह, आप देख सकते हैं एकदम बाजार जैसा पेड़ा बन गया है फ्रेंड। तो ऊपर से हल्का हल्का चीनी वाले पाउडर डाल देंगे तो मथुरा का पेड़ा जैसा दिखने लगेगा। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े को बनाकर तैयार कर लिए हैं फ्रेंड। एक कटोरी गेहूं के आटा से 1 केजी जितना पेड़ा बनकर तैयार हो गया है, एकदम टेस्टी और हेल्दी भी है। तो ऊपर से हल्का हल्का चीनी का पाउडर हम छिड़क दिए हैं, देखने में एकदम मथुरा के पेड़ा जैसा लग रहा है और खाने में भी स्वादिष्ट है फ्रेंड, एकदम मावा के पेड़े जैसा लगता है खाने में। तो एक बार इस तरीके से गेहूं के आटे के पेड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। उम्मीद करेंगे कि आपको ये गेहूं के आटा का पेड़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड। तो आप एक बार इस पेड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब कभी मीठा खाने का मन हो या कोई पर्व त्यौहार हो तो आप इस पेड़े को बना सकते हैं। आसानी से घर के सामानों से झटपट बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो हम आपको एक पेड़ा तोड़कर दिखाते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने आसानी से टूट रहे हैं पेड़ा, एकदम मावा के टेक्सचर में पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। एकदम खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी है, बनाने में आसान भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।